और नून लीग का मिशन कराची, चार रुकनी वफ्द की कराची आमद। हुकूमत को आवाम की मुश्किलात का एहसास नहीं। मुल्क में आज बदकिस्मती से जमहूरियत नहीं, रोजगार नहीं, हुक्मरान लापता हैं। सब इकट्ठे बैठे फैसला करें पाकिस्तान को कैसे चलाना है। शाहिद खाकान अब्बासी का हुकूमत को इलेक्शन लड़ने का चैलेंज, बोले हम इख्तदार के भूखे नहीं, इलेक्शन निज़ाम की दुरुस्तगी के लिए चाहते हैं। वजीर आजम से सवाल करते हुए कहा कि आटा क्यों महंगा हुआ, इमरान खान जवाब दें। पाकिस्तान हर तरह के खतरे में है और आज किसी को एहसास नहीं है कि पाकिस्तान की अवाम किस जुल्म की चक्की, किस महंगाई की चक्की में पिस रही है, जहां पर आटा 70 रुपए, चीनी 90 रुपए किलो हो चुकी है, लेकिन आज तक हुकूमत जो है कोई जवाब नहीं दे पाई कि ये महंगाई किसने पैदा की है। हर शख्स महसूस करता है कि आज न मुल्क में कोई हुकूमत है, न मुल्क में कोई तरक्की है, न मुल्क में कोई रोजगार है, महंगाई तारीखी सतह पर है और मुल्क का वज़ीर आज़म जो है वो लापता है। हम बैठे फैसला करें कि मुल्क को कैसे चलाया जाएगा, उसके बाद पाकिस्तान के अवाम को एक फ्री और फेयर इलेक्शन दें, इंशाल्लाह वही पाकिस्तान की तरक्की का रास्ता होगा। हम इक्तदार के भूखे नहीं हैं, हमें इलेक्शन इसलिए नहीं चाहिए कि हम इक्तदार में आए, हमें तो निज़ाम को दुरुस्त करना है।